हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। और ग्रामर के अंदर जो भी हमारे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर कवर करने की, ठीक है। और देखो, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हमें क्यों करनी पड़ती है? हमने जो हम लैंग्वेज नॉर्मली रूटीन में घर पे बोलते हैं या अपने आसपास बोलते हैं, क्या हम उस लैंग्वेज की ग्रामर हमने अभी तक की है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो क्या उन लैंग्वेजेस की ग्रामर हमने इतनी डिटेल से की है क्या? नहीं की। तो फिर हम उन लैंग्वेज को कैसे बोल पाते हैं या कैसे लिख पाते हैं? तो उसका देखो रीज़न ये होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं, एल एस आर डब्ल्यू। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग के ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज को लिसन करते हैं, सुनते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हम रीड करते हैं, और फिर हम लास्ट में उसको लैंग्वेज को लिख पाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, फर्स्ट जब वो बोलना सीखता है, तो वो अपने आसपास जो लैंग्वेज प्रिवेलिंग है, चल रही है, वही सुनता है पूरा टाइम। फिर उसी लैंग्वेज को टूटे फूटे वर्ड्स के अंदर वो बोलने की कोशिश करता है। और जब इन दोनों चीज़ों के अंदर वो परफेक्ट हो जाता है या इनको अच्छे से कर लेता है, तब वो फिर लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसको पढ़ पाता है ना। हम उसको वर्ड्स सिखाते हैं, पहले रीड करना सिखाते हैं। जब बच्चा उन वर्ड्स को सीख जाता है, फिर हम उसको किस पे लेके आते हैं, राइटिंग के ऊपर। तो ये है फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज। इन 4 स्टेप्स के द्वारा ही मेनली लैंग्वेज सीखी जाती है। बट इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों नहीं? क्या हमने, जब हम अपने चाइल्डहुड के अंदर हमने इंग्लिश लिसनिंग का हमें इन्वायरमेंट मिला? नहीं मिला। क्या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हमारे आसपास थे? नहीं थे। तो इसलिए हमारी इंग्लिश की रीडिंग भी वीक है और राइटिंग भी वीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? देखो, अब हम कर सकते हैं कि अगर हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ लें, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत अच्छे से अगर कवर कर लें, तो हम रीडिंग और स्पीकिंग अगर स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, इन्वायरमेंट इस तरह का बनाएं कि हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो इंग्लिश का रीड करें, और कोशिश करें हम कुछ अपने आसपास ऐसे लोग रखें जिनके सामने हम इंग्लिश बोल पाएँ। तो इन चीज़ों को फॉलो करके और ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम कर लें, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस जो लैंग्वेज हमारी मदर टंग नहीं है या जो लैंग्वेज हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे हम लिसनिंग का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और राइटिंग कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर टफ लगती है। रीज़न ये होता है कि जब वो इनिशियल क्लासेस के अंदर होते हैं, 4th, 5th, 6th के अंदर, तो ज़्यादातर जो हमारा टीचिंग मेथड है ना, उसमें बच्चों को रूल्स रटाए जाते हैं, क्रैमिंग पे एम्फेसाइज रहता है। तो वो रूल्स रट रट के ना कहीं उनको ये लगता है कि ये जो लैंग्वेज है या ग्रामर की कॉन्सेप्ट है बहुत बोरिंग है, और इसलिए उनको टफ लगते हैं। बट अगर हम कॉन्सेप्ट्स को रटने की बजाय सीखने पे जाएं, हम कोशिश करें उनके रूल्स क्यों बना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम उसको कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें हम कवर कर लें, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ईजिली समझ सकते हैं, इसकी ग्रामर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बिल्कुल इनिशियल टॉपिक है, बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक है, वो है टेंस। अब ज़्यादातर स्टूडेंट ने पहले भी टेंसेस किए हैं,
फर्स्ट टाइम नहीं आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, पहले भी आपने किए होंगे। बट ज़्यादातर क्या है, टेंसेज जो स्टूडेंट्स ने किए हैं वो किए हैं रूल बेस्ड, कि सबने रूल्स को क्रैम कर रखा है, रट रखे हैं एक तरह से, और एग्ज़ाम में उन्हीं रटाफिकेशन के हिसाब से वो कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। बट अभी हम क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो बड़ी क्लासेस के अंदर क्या है, रट्टे वाले टेंसेज जो है ना वो फेल हो जाते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। बड़ी क्लासेस या जो भी इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रूल रटने से या क्रैमिंग करने से नहीं हो पाएंगे, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो टेंसेज हम करेंगे, और करेंगे किस बेस पे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे। हम टेंसेज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस टेंस का ये नेम है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, सेंस क्या है। और एक बार अगर आपने टेंस कर लिए अंडरस्टैंडिंग बेस पे, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ईजिली बोल सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है टेंस। आप सभी को पता है टेंसेज के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, थ्री हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मींस जो अभी वर्तमान है, चल रहा है, वो प्रेजेंट है। पास्ट मींस जो निकल चुका है टाइम, जो पीछे की बातें हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, पास्ट में। और फ्यूचर मींस जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला कल है। मैं अगर बोल दूं कि मैं कल मुंबई जाऊंगा तो वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। तो जो आज की बातें हैं, जो चीज़ें अगर हिंदी में अगर हम बात करें, जो है से जितने भी चीज़ें हम बोलते हैं वो सारी प्रेजेंट से बिलोंग करती हैं। और था वर्ड का अगर यूज़ करके हम जितनी भी बातें बोलते हैं वो पास्ट से बिलोंग करती हैं। अगर हम ग वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे मैं ये करूँगा, मैं कल अपना वर्क कंप्लीट करूँगा, ये सब चीज़ें अगर हम ग से इसके साउंड से बोलते हैं तो वो किस टेंस को डिनोट करती हैं? फ्यूचर टेंस को। ठीक है, अब इन सभी टेंसेस के फोर पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंडेफिनेट, और इसी को हम बोलते हैं सिंपल। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्री टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इन थ्री के आगे ये फोर फोर पार्ट्स हैं। तो टोटल कितने टेंस हो गए हमारे? 12। ठीक है, यही फोर प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसी तरह से फ्यूचर के चारों। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12। अब देखो इन 12 हम एक बार कोशिश करेंगे इनके रूल्स करने की। ठीक है, तो ये 12 टेंस है टोटल। तो हम देखो टेंसेस करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए टेंसेस सीखने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। डूअर मीन्स हु डज द एक्शन और एक्टिविटी। वी कैन से वर्ब, क्योंकि वर्ब क्या होती है? एक्शन और एक्टिविटी। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जो वर्क को करता है या कर रहा होता है या जिसने किया होता है, एक्शन एक्टिविटी या वर्ब को करने वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं रोहित प्लेज फुटबॉल, अब इस सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी क्या है? प्ले करना, फुट है ना, खेलना। एक्टिविटी एक्शन है, वर्ब है। इस वर्ब को कौन कर रहा है? रोहित कर रहा है ना, तो रोहित क्या होगा? सब्जेक्ट। रोहित क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? वर्ब।
तो वर्ब क्या है? अभी हमने देखा एक्शन, एक्टिविटी। एक्शन और एक्टिविटी शो करने वाले सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? वर्ब। देखो ये फिक्स वर्ड नहीं है, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड लगा है ना, उसका सेंटेंस के अंदर काम क्या है वो डिसाइड करेगा कि वो वर्ब है, नाउन है या क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आपको एक्टिविटी शो कर रहे होंगे वो वर्ब होंगे। जैसे ये इस सेंटेंस के अंदर ये प्ले क्या शो कर रहा है? एक्टिविटी शो कर रहा है खेलने की। तो ये प्ले वर्ड क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। अब वर्ब्स जो है ना, वो बेसिकली हम वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट अभी हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी? वही जितनी हमने आपने छोटी क्लासेस के अंदर करी है, इज एम आर हो, वोज वर हो, या कैन कुड मे माइट विल शेल, हैज हैव हैड, डू डज, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब्स जो एक्शन या एक्टिविटी सेंटेंस के अंदर दी गई है, जो मेन एक्टिविटी हो रही है वो क्या होगी? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जहाँ होगी वहाँ हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी होगी। आगे हम क्या देखते हैं? वैसे वर्ब के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। ये बहुत सारे टाइप्स हैं वर्ब के, जो हम कोशिश करेंगे जब वर्ब हम अलग से टॉपिक करें तो उसके अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है, वर्ब जो है ना, जैसे ये प्ले वर्ड है, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में मैंने इसको यूज़ कैसे किया है। ठीक है, तो वर्ड का जो यूज़ है ना, वही उसको वर्ब बनाता है, वही उसको नाउन बनाता है। तो सेंटेंस में जो एक्शन एक्टिविटी शो करेंगे वो क्या होंगे? वर्ब होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। मीन्स अगर हम वर्ब कर रहे हैं ना, तो वर्ब का रीज़न क्या है? रीज़न बोल सकते हैं, या फिर हम कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं, कि वर्ब का जो रिजल्ट है। मीन्स अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का नेम क्या है? अगर मान लो मैं प्ले कर रहा हूँ तो क्या चीज़ प्ले कर रहा हूँ? फुटबॉल प्ले कर रहा हूँ ना, तो फुटबॉल क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई एम ड्राइविंग ए कार, तो ड्राइव करना मेरी वर्ब है, और मैं क्या चीज़ ड्राइव कर रहा हूँ वो क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये आपको तीनों चीज़ें टेंसेस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंटली आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर, इनके साथ आई एन जी वाली फॉर्म। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बनाएं, सेंटेंस कैसे फॉर्म करें? तो सेंटेंस फॉर्म करने के ना बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, जो टेंसेज में जिन स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, या टेंसेज का यूज़ करके हम कितने टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अफर्मेटिव, या हम इनको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट लगा होता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, फिर आपको एक मेन वर्ब मिलेगी, और देन आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूं, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट लगा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, फिर नॉट लगा होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, नॉट जो है ना, टेंसेस के अंदर कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला आप टेंस नहीं लगा सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि आई नॉट प्ले क्रिकेट।
नोट लगाने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में उसके लगानी पड़ेगी, जैसे आई डो नॉट प्ले क्रिकेट, या आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इस तरह से, ठीक है। तो आप नॉट अकेला नहीं लगा सकते, नॉट के साथ आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मेन वर्ब और फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव में हम क्या देखते हैं, इंटरोगेटिव करने के लिए किसी भी सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ, उसके बाद आप वर्ब लगाओ, फिर लगाओ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। तो इस तरह से आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना पाओगे। और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव भी होता है, मीन्स जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं जैसे वेयर व्हेन व्हाट ये सब वाले वर्ड्स, तो इनमें आप क्या करो, डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे मान लो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, इनके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम जब टेंस करेंगे, टेंसेज में मेनली क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के चेंज ही आएंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब की प्रोग्रेसिव या आईएनजी वाली फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चेंज आएगा, सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ब लगेगा, ठीक है। तो टेंसेज से जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इन्हीं स्ट्रक्चर के हिसाब से टेंस को यूज करके सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, अफर्मेटिव हुआ हमारा, रोहित सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, रोहित इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इंटरोगेटिव बने तो इज रोहित प्लेइंग फुटबॉल, डब्ल्यू एच वर्ड फिल करें तो देन वेयर इज रोहित प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के हिसाब से हम टेंस का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर हम ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से हमने सेंटेंसेस बनाए, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बनाएंगे तो क्या होगा, इज एम आर की जगह क्या लगेगा, वॉज वर्ड। तो इसकी जगह अगर वॉज लगा दोगे आप, तो पूरे का पूरा टेंस ही चेंज हो गया। तो इस तरह से टेंसेस के हल्के फुल्के से रूल्स हैं जो हमने पहले किए भी हैं, है ना, कि हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स में ही चेंज आएगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स हम लर्न कर लें, तो रूल्स तो कम से कम हम टेंस के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने रूल्स लर्निंग टेंसेस का एक पार्ट है कि रूल्स तो सभी आने ही चाहिए, बट तो टेंसेस के रूल्स लर्न करना बिल्कुल बेसिक चीज़ है। रूल्स लर्न करने के बाद उन रूल्स का हम यूज़ क्यों करेंगे, ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। ग्रामर हम सीख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये ग्रामर क्यों सीख रहे हैं, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, या इससे हम सेंटेंसेस किस तरह से बना पाएंगे, किस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे, ठीक है। तो टेंसेस अगर हम कर रहे हैं ना, तो हम इन ये जो पैटर्न मैंने लिखा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। और इन सेंटेंसेस का सेंस क्या होगा, वो हम अलग अलग टेंस के हिसाब से, सभी टेंसेस के जो सेंस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग चीज़ शो करता है, कॉन्टिन्यूस अलग करता है, इस तरह से वो सारे के सारे सेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट
या हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल की बात ही करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें हम क्या लगाते हैं जनरली, विदाउट कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे सिंपल सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करेंगे एस या ई एस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आई, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो देखो क्या यूज़ किया मैंने, सब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर बताया मैंने, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगती, सिंपल में सीधी वर्ब लगेगी। तो प्लेज क्या है, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की और साथ में क्या लगा हुआ है, ठीक है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये एस और एस कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, या किसी का भी नेम है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि दे, वी, यू, दीज, दोज एंड इवन आई, ठीक है, या बॉयज लिखा हो और आई भी। देखो आई वैसे सिंगुलर वर्ड होता है, आई सिंगुलर होता है, बट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज़ करने का सेंस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसको कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स हमें अटैच करनी पड़ती है इसके साथ। तो यहाँ जो आई है उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस के। तो अगर मैं ये सेंटेंस आई से लिखूँ तो क्या बनेगा मेरा, आई प्ले फुटबॉल, ओनली प्ले विदाउट एस और ई एस, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का रूल देखें तो क्या करेंगे हम, इस लाइन को नेगेटिव करना है, रोहित प्लेज फुटबॉल, रोहित नॉट प्लेज फुटबॉल कर सकते हैं क्या, इसको भी कर सकते हैं क्या, आई नॉट प्ले फुटबॉल। तो मैंने आपको पीछे बताया कि नॉट जो है वो हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते, नॉट के साथ हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब फिर सिंपल में तो लगाते नहीं है, बट जब जैसे ही लाइन नेगेटिव होगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू और डज साथ में इसके नॉट। तो मीन्स क्या होगा, देखो डू कब लगाएं डज कब लगाएं, तो डू लगाएंगे उस सेक्शन के साथ जिसमें हम सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो इस पूरी कैटेगरी के साथ डू लगेगा। डज कहाँ लगेगा, जिस कैटेगरी के साथ हम एस ई एस, एस और ई एस वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस कैटेगरी के साथ हम डज लगाएंगे, ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी एस और ई एस अटैच है, इसमें नहीं है, तो जिसमें एस और ई एस नहीं लग रहा वहाँ डू, जहाँ लग रहा था पहले एस ई एस वहाँ डज, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी वो डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका यूज़ करके हम सेंटेंस इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो इसका फिर क्या बनेगा, रोहित है तो क्या बनेगा, रोहित डज नॉट प्ले। अब एस ओ एस क्या होगा, इरेज होगा, एस ओ एस हमें रिमूव करना है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो हम इसका एस इरेज कर देंगे। और यहाँ क्या होगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। इंटरोगेटिव अगर बनाए तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, डू आई प्ले फुटबॉल, रोहित का करे तो डज रोहित प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके रूल्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका रूल,
ठीक है, ये तो हमने पहले भी किए होंगे और आपको लर्न भी होंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर से, मान लो मैंने ये लाइन लिखी है रोहित प्लेज फुटबॉल, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है? अगर हम ये लाइन लिख रहे हैं तो रीडर इससे क्या समझेगा, उसके माइंड में क्या सेंस आएगा, ठीक है? तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है। रूल्स तो लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं रूल्स तो। रूल्स करना टेंस करना नहीं है, आप इस बात को ध्यान से माइंड में क्लियर करो। रूल्स लर्न करना टेंस करना नहीं है, रूल्स लर्न करने से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, बट जो टेंसेस जिस लिए बने हैं या टेंसेस के जो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नहीं कर सकते। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? डू डस, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, हम इनका यूज़ करके सेंटेंस अगर बनाएंगे ना, तो उस सेंटेंस का सेंस क्या होगा, ठीक है? तो इनडेफिनेट वर्ड का मीनिंग होता है अनिश्चित, मीन्स जिस चीज़ का हमें फिक्स नहीं पता कि वो चीज़ चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है ना, वो हमेशा आप क्या चीज़ शो करेगा? रूटीन एक्टिविटी। क्या चीज़ शो करेगा? रूटीन एक्टिविटी, या जो आपके रेगुलर एक्शंस हैं, एक्टिविटी हैं, या जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स इनका अगर हम यूज़ करके सेंटेंस लिख रहे हैं ना, तो उनका सेंस क्या है? उनका मीनिंग ये है कि हम अपनी रेगुलर या रूटीन एक्टिविटी या हैबिचुअल एक्शन हमारे बता रहे हैं। मीन्स अगर मैं ये लिख रहा हूँ, आई रीड बुक्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या, सोचो आप माइंड में, क्या ये है क्या? क्या मैं अभी बुक रीड कर रहा हूँ, या मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की हैं, या मैं बुक रीड करूँगा, या मैंने पहले की थी? इस लाइन का आपने कुछ बताया नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं आपने इस तरह की चीज़ ऐड की, आपने खाली ये सेंटेंस लिखा है, बट पढ़ने वाला इस टेंस से क्या, इस लाइन से क्या समझेगा? रीडर इस लाइन से ये समझेगा कि आपकी बुक रीड करना एक हॉबी है, आपकी आदत है बुक रीड करना, ठीक है? आप इसका मीनिंग रूटीन में बुक्स रीड करते हो, ठीक है? तो जब भी हम इस टेंस का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उनका मीनिंग क्या होगा, वो आपकी जो हैबिट्स हैं उन्हीं को शो करेंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी ये हैबिट है, बट क्योंकि आपने लाइन लिखने के लिए इस टेंस का यूज़ किया, तो वो लाइन आपकी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गई? हैबिट के अंदर, ठीक है? अब इस टेंसेस का मिस यूज़ करने से या गलत टेंस यूज़ करने से सेंस पे कितना बुरा असर पड़ता है, आप देखो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन की कि सर रोहित डिस्टर्ब्स मी, कि रोहित डिस्टर्ब्स मी, रोहित मुझे डिस्टर्ब करता है। मीन्स आपने क्या बताया कि रोहित की हैबिट क्या है? आपको डिस्टर्ब करना, मीन्स वो डेली डिस्टर्ब करता होगा आपको, है ना? तो टीचर क्या करेगा, रोहित को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगा, है ना? क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी है और ये हैबिट तो गलत है। बट एक्चुअली सीन क्या था, रोहित ने कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, बस उसी दिन उसका थोड़ा मूड खराब था तो उसने आपको परेशान कर दिया, ठीक है? तो रोहित ने एक ही बार वो वर्क किया, तो आपने क्या ये टेंस उसके लिए ठीक चूज किया? आपने ये टेंथ उसके लिए गलत चूज़ किया, ठीक? क्योंकि डिस्टर्ब करना उसकी हैबिट नहीं है, उसने तो एक ही बार डिस्टर्ब किया आपको। तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, सर रोहित डिस्टर्बिंग, रोहित इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है? आप ये बोल सकते हो कि रोहित इज डिस्टर्बिंग मी, रोहित मुझे डिस्टर्ब अब कर रहा है, या रोहित हैज़ डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है? तो आप ये यूज़ कर सकते हो, रोहित इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है? मीन्स वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी हैबिट नहीं है करना, ठीक है? टीचर समझेगा कि वो अब आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो टेंस का अगर हम सेंस गलत समझे तो पूरी बात ही हमारी गलत हो जाती है,
ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, रूटीन एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी और हैबिचुअल एक्शन को शो करना। इसका अगला जो रूल है वो क्या है, वो है कि ये क्या शो करेगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। इसका मीनिंग कि जो भी हमारे आसपास ट्रूथ्स हैं उनके लिए हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो ट्रूथ्स हैं, वो तो हमेशा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। जो मून है ना वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये ट्रूथ है ना, ये तो अब भी है और 500 साल के बाद भी वो मूव कर रहा होगा। तो इट मीन्स ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कमेंट्री है ना, कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट में होती है। वैसे तो अगर हम बात करें ना, जैसे मान लो किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और फील्डर उसके पीछे भाग रहा है, तो अगर हम ग्रामेटिकली चलें तो क्या होगा, द बैट्समैन हैज़ हिट द बॉल। ठीक है, क्या होगा, द बैट्समैन हैज़ हिट द बॉल एंड द फील्डर इज रनिंग बिहाइंड इट, कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और फील्डर उसके पीछे भाग रहा है। तो ये तो हो गया ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। बट कमेंट्री करते टाइम हम इस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर बोलेंगे ना, तो उसके लिए ज़्यादा वर्ड चाहिए होंगे, हमें बड़े टेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे, और कमेंट्री करने इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो हम जनरली बातों को या सेंटेंसेस को कट करने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे छोटा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। इसलिए कमेंट्री करते टाइम हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो हम क्या करेंगे, इसी सेम लाइन को प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोल देंगे, द बैट्समैन हिट्स द बॉल, बैट्समैन हिट्स द बॉल द फील्डर रन्स बिहाइंड इट। ठीक है, तो कमेंट्री करते टाइम हमें सेंटेंसेस को बहुत छोटा रखना पड़ता है, इसीलिए जो हम सबसे छोटा टेंस है वही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। बोलने का हमारा मीनिंग तो यही है कि बैट्समैन ने बॉल हिट की और फील्डर उसके पीछे भाग रहा है, बट हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट इन डेफिनेट के अंदर। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है वो न्यूज़ हेडलाइंस के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर की जब हेडलाइंस आती है ना, तो वो भी प्रेजेंट इन डेफिनेट में ही आएगी। क्यों, क्योंकि वो सेम रीज़न कि न्यूज़पेपर के अंदर भी जो हेडलाइंस के लिए जो पेपर पे जगह है वो कम होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाई जाती है। जैसे मान लो इंडिया ने पाकिस्तान को कल हराया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया हैज़ बीटन पाकिस्तान इन द मैच, इंडिया उसको हरा चुका है। बट अगर न्यूज़ में इस बात को हम प्रिंट करें तो क्या लिखेंगे, इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन द मैच, इन द फाइनल मैच। ठीक है, तो न्यूज़ हेडलाइंस के अंदर भी हम चीज़ों को छोटा रखने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको हम इजीली प्रिंट कर पाएँ। तो न्यूज़ हेडलाइंस हो चाहे कमेंट्रीज हो, सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रिटर्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो ईडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरे और कहावतें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड,
खर्च मुक्ति चीज़ सोना नहीं होती, इसमें भी ग्लिटर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है इसको, 2 and 2 makes 4, टू मेक फोर, ठीक है। तो इडियम्स, मुहावरे और कहावतें जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं कहीं से लिखी हुई, तो वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में होंगी। उसका भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जो कहावतें हैं वो पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट हैं, तो हम उनको पास्ट में नहीं लेके जा सकते, या एक्शन उसको ख़त्म हो चुका है ये भी नहीं बोल सकते। तो उसको भी हम हैबिट ही मानते हैं, कि जो हैबिचुअल जो इडियम्स और प्रोवर्ब्स है वो भी हैबिट को ही शो करती हैं हमारी, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं इसका एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी हिस्टोरिकल इवेंट को हम इस तरह से बना के पेश करें कि जैसे हम उस हिस्टोरिकल इवेंट के टाइम पे वहीं पे थे, या उसको रियल बना के पेश करें कि जैसे आपके सच में आपके वो सामने हुआ हो, ठीक है। तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि महाराणा प्रताप enters the battlefield and the war begins, कि महाराणा प्रताप बैटल में युद्ध के मैदान में एंटर करते हैं और युद्ध जो है वो शुरू होता है। तो आप इसको ऐसे पेश कर रहे हो जैसे आप उसको युद्ध को वॉच कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको एक घटना की तरह पेश करूं, एक इवेंट की तरह पेश करूं, तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखूंगा, महाराणा प्रताप एंटर द बैटल फील्ड एंड द वॉर बिगेन। बट मैं इसको किसी पास्ट की घटना की तरह नहीं करके इसको अगर मैं एक रियल इवेंट की तरह पेश करूंगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये हमारी रूटीन एक्टिविटी है। आपके लाइन लिखने का तरीका बता देगा कि वो क्या है, आपकी हैबिचुअल एक्शन है आपका या आपकी रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे अगर आप ये बोल रहे हो आई गो टू स्कूल, इट मीन्स आप रेगुलर स्कूल जाते हो, ठीक है। और अगर आप ये बोल रहे हो आई ड्राइव कार्स, इसका मीनिंग आप रेगुलर कार चलाते हो, ठीक है।